हेलो फ्रेंड्स, दीपा न्यू आर्ट कला में आपका स्वागत है। आज हम एक खूबसूरत सा डोरमेट बनाना बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने दो कलर का फैब्रिक लिया है, ये मार्केट वाला थैला है। तो ये इसकी लंबाई 14 इंच है, चौड़ाई 12 इंच है। तो इसको हम ऐसे फोल्ड करके फिर फोल्ड करेंगे। तो इसमें से चार हिस्से हम निकाल लेंगे, चार टुकड़े कर लेंगे। और मैंने एक और कपड़ा लिया है, तो इसको हम उसके ऊपर रख के इसी साइज़ का हम कटिंग कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, हमने कटिंग कर लिया है। अब इसको एक एक पार्ट को लेंगे, एक रेड वाला, एक येलो वाला, इसको हम जॉइंट करेंगे। तो हमें ऐसे ही सारे पार्ट को जॉइंट कर लेना है। उसके बाद हम एक और कपड़ा लेंगे, उसके ऊपर रख के हम सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। तो देखिए, हम ऐसे ही जॉइंट करते जाएंगे। तो हमने जॉइंट कर लिया है, अब इसको ऐसे रख के फिर हम जॉइंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम ऐसे ही सारे पार्ट को जॉइंट कर लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ से ऐसे जॉइंट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस पर सिलाई लगा लिया है। अब इसकी साइज का हम एक कपड़ा लेंगे, उसके बाद हम इसको उल्टा रख के चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। फिर हम सीधे तरफ पलट लेंगे, एक साइड से हम खुला रखेंगे फ्रेंड्स। तो देखा फ्रेंड्स, हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसको हम ऐसे सीधे की तरफ पलट लेंगे, फिर हम साइड से फ्रिल लगाएंगे। तो हमने इस कपड़े को टू फोल्ड करके फ्रिल बनाना है। दो दो इंच के लगभग में हम मोड़ते जाएंगे, जैसे हम फ्रिल बनाते हैं वैसे ही चारों तरफ बना के फ्रिल लगा लेंगे। उसके बाद हम ऊपर सिलाई लगा लेंगे। लगभग हम दो इंच कपड़े पकड़ेंगे, उसके बाद हम ऐसे रख के सिलाई लगा लेंगे। तो देखा फ्रेंड्स, हमने फ्रिल लगा लिया है। अब इसको हम यहाँ पे दोनों को जॉइंट कर लेंगे। तो हमें ऐसे पकड़ के यहाँ पे कट करना है, उसके बाद जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए, हमने फ्रिल बना लिया है। अब इसको हम इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारा फ्रिल अच्छे से बैठ जाए। बैठने वाली सिलाई लगाना है। नीचे की तरफ मोड़ते हुए हम ऊपर से सिलाई लगाते जाएंगे। उसके बाद हम देखा फ्रेंड्स, हमने सिलाई लगा के कम्प्लीट कर लिया है, और कितना खूबसूरत लग रहा है। अब छोटे छोटे फ्लावर बनाएंगे और उसको हम बीच बीच में लगाएंगे, फिर हमारा डोरमेट बनके कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, हमने ये कपड़ा लिया है जिसमें से हम फ्रिल बनाए हैं। तो हमें ऐसे ही आप अपने अनुसार छोटा बड़ा बना सकते हैं, चार टुकड़े में काट लें। तो हम ऐसे ही गुलाई में कट कर लेंगे, तो हमारा ये गोल हो जाएगा। फिर हम सुई की मदद से इसका फ्लावर बनाएंगे। तो हमें आठ पीसेस बनाने हैं। तो देखिए, हम ऐसे ही सुई में धागा डाल के ऐसे ऐसे करके पूरा उसके बाद खींच देंगे। उसके बाद हम बीच में सिलाई लगा लेंगे पक्का, फिर हम फूल को अटैच कर लेंगे। तो हमें दो कलर का बनाना है, तो आप जो भी कलर यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। और बीच
तो देखा फ्रेंड्स, हमें ऐसे ही सारे फ्लावर को अटैच कर लेना है। तो देखा फ्रेंड्स, हमने सारे फ्लावर बना लिए हैं, इसको हम ऐसे रख के अटैच कर लेंगे। तो देखिए, हमारा डोरमेट बन के कम्प्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। थैंक यू।